दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले टू थर्ड छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल। ईशानगर थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़ गांव में एक ससुर ने अपनी विधवा बहू को पूरी तरह डंडों से पीट दिया। बताया जा रहा है कि उसने बहू से रुपयों की मांग की थी और जब बहू ने उसे रुपए नहीं दिए तो बहू पर डंडा लेकर टूट पड़ा। घटना ईशानगर थाने के पहाड़ गांव की है। जैसे ही इस मामले का वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पुलिस हरकत में आई और अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि पहाड़ गांव की राजकुमारी अहिरवार के पति मुन्ना अहिरवार का निधन हो चुका है और वो बच्चों के साथ दिल्ली में रहकर मजदूरी करती है। महिला की दादी सास का निधन हो गया था, इस वजह से वो दिल्ली से पहाड़ गांव आई थी। जब आरोपी बहू को पीट रहा था तो घर में मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। महिला ने बताया कि पिटाई से उसे कई जगह चोट आई है और बेटी को भी लाठी लगने से चोट आई है जिससे वो बुरी तरह घायल हुई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ससुर ने हमको मारा है, गाली भी दिया था, उल्टी सीधी मार लड़की को मारा। काय वजह से मारो? ए, हमारे पैसे मांग रहा था, कह रहा था पैसे दो। हम कहां से दे, हमारा घर वाला खत्म हो गया, तीन बच्चे हैं, पैसे उनको दे के घर वाले बच्चे को पाले के उनको पैसे दे। कहां पे आई थी अभी आज? हम आए थे, हमारी दादी सास खत्म हो गई थी तो उसके लिए आए। नहीं, यहां कहां आई थी? यहां पहाड़ थाने आए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? उन्होंने सब जी फाइल लिख दी, मुकदमा करवा। क्या चाहती हैं आप? हमको कुछ नहीं, बस हमको तो इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए और बस अपना घर दो चाहिए, वही हमको अपना रहने के लिए दे।